सो यार 5G का ज़माना चल रहा है एंड राइट नाउ आपको हर दूसरी स्मार्टफोन कंपनी है ना 5G प्रोवाइड कर रही है, बट क्या आप भी कंफ्यूज हो जाते हो कि यार कौन सा 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए? इफ़ यस देन डोंट वरी, वी गॉट यू कवर्ड। सो हेलो गाइस, मेरा नाम अश्विन एंड वेलकम बैक टू टेक सोबर विद अनदर फ्रेश एपिसोड। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्पेक्स ऑफ द टॉप 5G स्मार्टफोन दैट आर लॉन्चिंग इन मार्च, ताकि आप एक प्रॉपर चॉइस कर सको। बट वीडियो आगे शुरू करने से पहले, अगर आप टेक सोबर पे नए हो तो यार वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो एंड वो बेल आइकन भी ज़रूर क्लिक कर देना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। एंड नाउ लेट्स प्ले द इंट्रो। सो शुरू करते हैं विथ वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन ऑफ द ईयर, द OnePlus 9 सीरीज। एंड OnePlus 9 हमेशा से एक ट्रेंडी टॉपिक रहा है, बट OnePlus इस साल 9 एंड 9 Pro के साथ एक लाइट वेरिएंट भी लॉन्च करने वाला है, एंड इसका नाम अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है, बट आपको जल्द ही पता चल जाएगा। सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद OnePlus 9 एंड 9 Pro। सो ऑफकोर्स इस फोन की जो मेन हाईलाइट है वो तो इसका डिज़ाइन है, बट उसके अलावा आपको इसमें स्पेक्स भी काफ़ी सेम देखने मिल जाते हैं। सो आपको दोनों ही फोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर, 120 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट, एंड्रॉयड 11 सॉफ्टवेयर, इसी के साथ आपको 4500 mAh ऑफ बैटरी एंड 65 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलेगी। ऑल्सो आपको इस बार OnePlus 9 के चार्जिंग में रिवर्स एंड वायरलेस का भी ऑप्शन देखने मिलने वाला है। सो मतलब मज़ा आया। सो दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करें तो आपको इसमें डिस्प्ले में फ़र्क देखने मिलता है। आपको OnePlus 9 में फुल HD डिस्प्ले देखने मिलता है, जबकि OnePlus 9 Pro में आपको क्वाड HD डिस्प्ले देखने मिलता है। ऑल्सो इसी के साथ आपको OnePlus 9 में ट्रिपल कैमरा देखने मिलेगा, जबकि OnePlus 9 Pro में आपको इस बार क्वाड कैमरा देखने मिलने वाला है। एंड आई एम रियली होपिंग कि OnePlus 9 Pro में 2 मेगापिक्सल के कैमराज ना हो। सो यार ओवरऑल तो फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फोन। प्राइसिंग की बात करें तो आपको पता ही है OnePlus है तो प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट स्टिल आपको OnePlus 9 ना बिलो 50,000 का देखने मिलेगा एंड OnePlus 9 Pro स्लाइटली अबव 50,000 का देखने मिलेगा। बट आई एम होपिंग कि OnePlus थोड़े प्राइस सेंसिटिव फोन्स निकाले। एंड अगर आपको OnePlus 9 सीरीज के बारे में एकदम डिटेल में जानना है तो यार मैंने वो काम ऑलरेडी कर दिया है, आप उस वीडियो को चेकआउट जरूर करना, आपको लिंक आई बटन एंड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो जो नेक्स्ट फोन है हमारे लिस्ट में वो है Redmi Note 10 सीरीज, जो कि हमारे बजट लवर्स के लिए। सो आपको इसमें तीन फोन वेरियंट देखने मिलता है, एक तो Redmi Note 10, दूसरा Redmi Note 10 Pro एंड तीसरा Redmi Note 10 Pro Max। एंड ये रहे इसके प्राइस लिस्ट। What makes this phone so special? इसकी ये इतने कम प्राइस पे फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स प्रोवाइड करता है, स्पेशली दी नोट 10 प्रो एंड नोट 10 प्रो मैक्स। इन दोनों फोन्स के फीचर्स ना काफ़ी सिमिलर है, जैसे आपको इन दोनों में 6.6 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है, 120 हर्ट्ज़ ऑफ रिफ्रेश रेट देखने मिलता है, 5020 mAh की बैटरी विद 33 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलता है, एंड इसी के साथ आपको क्वालकम स्नैपड्रैगन 732G का पावर देखने मिलेगा। एंड दोनों में ही आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने मिलता है, बट फर्क ये है कि आपको नोट 10 प्रो में 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलेगा, जबकि आपको नोट 10 प्रो मैक्स में 108 मेगापिक्सल का कैमरा देखने मिलने वाला है। बट आई रियली होप कि रेडमी अपने कैमरा की क्वालिटी थोड़ी अपग्रेड करे, स्पेशली लो लाइट में, एंड यार ये 2-2 मेगापिक्सल के कैमरा निकाल दे। आपको इस बारे में क्या लगता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो यार एक लाइक कर दो। सो हमारे नेक्स्ट फोन पे आ जाता है, जो कि एकदम लेटेस्ट लॉन्च हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट दी ओप्पो फाइंड एक्स 3 प्रो। एंड ओप्पो हमेशा ही कुछ स्पेशल फीचर्स लेके आता है, स्पेशली अपने फ्लैगशिप सेगमेंट में, एंड इस साल भी ओप्पो कुछ कमाल के फीचर्स लेके आया है। सो इस फोन का जो हाईलाइट है ना वो इसके 50 मेगापिक्सल के कैमराज है, एग्जैक्टली 48 नहीं 50, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ सोनीज लेटेस्ट सेंसर। ऑफकोर्स एक फ्लैगशिप है तो आपको इसमें स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने मिलता है, 120 हर्ट्ज़ ऑफ रिफ्रेश रेट देखने मिलती है, HDR 10 प्लस का सपोर्ट देखने मिलता है, इसी के साथ आपको 6.7 इंच की फुल AMOLED डिस्प्ले देखने मिलता है। ऑल्सो आपको इसमें 4500 mAh ऑफ बैटरी विद सुपर 2.0 चार्जिंग एंड इसी के साथ क्वाड कैमरा सेटअप भी देखने मिलता है। इन सब फीचर्स के अलावा आपको इसमें ओप्पो का नया कलर OS देखने मिलने वाला है, जो कि अकॉर्डिंग टू रूमर्स काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइज होने वाला है पहले के मुकाबले में। एंड सो परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस आपको बहुत ही तगड़ा देखने मिलने वाला है। प्राइजेस की बात करें तो ये रहे ओप्पो फाइंड एक्स 3 के प्राइजेस। अगर आप चाहते हो कि मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊँ ताकि इस फोन का एक्चुअल वर्थ पता चले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं वीडियो बना दूंगा। सो हमारे नेक्स्ट फोन पे आ जाते हैं, वो है रियलमी GT 5G। यार रियलमी अपने फ़ोन लगातार लॉन्च करते जा रहे हैं, अभी रिसेंटली ही नार्जो 30 प्रो भी लॉन्च किया था। रियलमी GT 5G के फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें 6.4 इंचेस का AMOLED डिस्प्ले देखने मिलने वाला है, 120 हर्ट्ज़ ऑफ रिफ्रेश रेट देखने मिलने वाली है, 4500 mAh ऑफ बैटरी देखने मिलने वाला है, 65 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग भी देखने मिलेगी।
इन सब के अलावा आपको इसमें ट्रिपल रेयर कैमरा देखने मिलने वाला है, जिसका प्राइमरी कैमरा 64 मेगापिक्सल का है विद सोनीज IMX682 सेंसर। एंड सबसे कमाल की बात है कि आपको इस फोन में स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर देखने मिलने वाला है। तो ऑफकोर्स ये आपके फोन परफॉर्मेंस को प्लस आपकी गेमिंग की भी परफॉर्मेंस को जरूर इंप्रूव कर देगा। तो अगर आप भी फ्लैगशिप लेवल के फीचर्स ढूंढ रहे हो एक बजट स्मार्टफोन में, देन रियलमी GT 5G कैन बी योर चॉइस। तो लास्टली आ जाते हैं वन ऑफ द मोस्ट फ्लैगशिप लेवल फोन्स पे, एंड यार ये पर्सनली मेरा बहुत टाइम से फेवरेट रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द ASUS ROG 5 फोन, एंड ये भी अभी एकदम ताज़ा लॉन्च हुआ है विथ सम टॉप नॉच फीचर्स, एंड ये काफ़ी ज़्यादा टक्कर देने वाला है फ्लैगशिप लेवल्स के फ़ोन्स को। सो फीचर्स के बारे में बात करें तो आपको इसमें 6.7 इंचेस का OLED डिस्प्ले देखने मिलने वाला है विद 144 हर्ट्ज ऑफ रिफ्रेश रेट। इसी के साथ आपको 6000 mAh की बैटरी देखने मिलने वाली है विद 65 वॉट्स ऑफ फास्ट चार्जिंग। वाओ, परफॉर्मेंस इसका ऑफकोर्स बहुत अच्छा होगा, बिकॉज इन सब के अलावा आपको इसमें स्नैपड्रैगन का 888 प्रोसेसर भी देखने मिलने वाला है। एंड सिंस ये गेमिंग फ़ोन है तो आपको इसमें कूलिंग पैनल भी देखने मिलने वाला है पीछे की तरफ। ऑल्सो आपको साइड माउंटेड पोर्ट भी देखने मिलने वाला है जो कि साइड चार्जर रहता है, ताकि आपको गेमिंग के दौरान कोई दिक्कत ना हो। मतलब आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस तो भाई नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। And with such amazing features, you can still expect this phone to come around 50 to 55 thousand. And I feel इन सारे features के साथ यार एक कमाल का फ़ोन होने वाला है। So यार ये तो रहे इसके टॉप फीचर, बट आपको इसके ऊपर अगर एक डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस फ़ोन, मैं आपके लिए एक डिटेल वीडियो ज़रूर बना दूंगा। तो यार ये थे वो टॉप 5G स्मार्टफोन जो आपको मार्च के महीने में देखने मिलने वाले हैं। आपको इन फ़ोन्स के बारे में कोई भी सुझाव या सवाल होगा तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ऑल्सो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना एंड शेयर जरूर करना। एंड अगर आप टेक्स ओवर पे नए हो तो यार वो सब्सक्राइब का बटन दबा दो, एंड वो बेल आइकन भी जरूर क्लिक कर देना, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही कमाल टेक वीडियोस लेके आता रहूं। टिल देन पीस। दिस इज द फ्यूचर।